हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री हियर। होप सो ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फिजिकल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक बार बार उन्हें नोटिस देखने को मिल रहे हैं और वो स्टूडेंट लगातार कंफ्यूजन की सिचुएशन में है कि मैं हम क्या करें। आज भी आपने एक नोटिस देखा इस प्रकार का है जो वायरल हो रहा था, तो इस नोटिस में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है और क्यों ये नोटिस वायरल हुआ, इसमें क्या आपको डेट दी गई है, उसको मैं शॉर्टली आपको यहाँ पर बताऊंगी। इस नोटिस में आपके लिए ये बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट आया था वो 31/12/2023 को आया था, सीबीटी एग्जाम का जो एसएससी ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद में 86,049 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी आपके भर्ती का लगभग 12 गुना आपके कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें मेल कैटेगरी के 56,157 कैंडिडेट एंड फीमेल कैटेगरी के 29,892 स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट योर फिजिकल एंड्योरेंस एग्जाम विल बी कंडक्ट 16/1/2024 टेंटेटिवली। तो इसमें साफ साफ यहाँ पर बताया है कि आपके फिजिकल एंड्योरेंस एग्जाम का डेट दिया गया है 16 जनवरी 2024 टेंटेटिवली। ये डेट पहले 27 जनवरी 2024 दी गई थी। उससे पहले आज ही वायरल नोटिस क्यों हो रहा है लगातार, क्योंकि आज आरसीएल के विभिन्न स्टाफ के बीच में मीटिंग हुई है। उन लोगों ने डिसाइडेड किया है कि आपका फिजिकल जल्द से जल्द करवाया जाएगा, इसलिए 27 जनवरी को छोड़कर उससे पहले की डेट आपको यहाँ पर दी जा रही है। और इस चीज की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके फिजिकल यहाँ पर 16 जनवरी से करवा दिए जाएंगे। अभी भी इस नोटिस में टेंटेटिव लिखा है क्योंकि ये डेट घट बढ़ सकती है, तो आप अपने आप में बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। आज से अगर देखा जाए तो आपके पास में लगभग 13 से 14 दिन शेष है और इन दिनों में आपको जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल की एक अच्छी प्रिपरेशन यहाँ करें। इसके साथ ही साथ इसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि आपकी जो फिजिकल है उसके लिए दो लोकेशन यहाँ डिसाइड की गई है। पहली लोकेशन है डीपीए वजीराबाद, जिसमें कि 6 ग्राउंड यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद में दूसरी लोकेशन डीपीए झड़ौदा कला, जिसमें कि 3 ग्राउंड आपके यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। आपकी फिजिकल लगभग 9 वर्किंग डेज में कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसमें कि संडे एमजीएच यहाँ पर हटा दिए जाएंगे, यानी संडे एमजीएच को हटाकर 9 वर्किंग डेज में आपके फिजिकल यहाँ पर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इन 9 दिनों में स्टार्टिंग के 6 दिन में, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, पहले फिजिकल कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बाद गर्ल्स के फिजिकल कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो 9 दिन के फिजिकल का ये टाइमिंग दिया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग के 6 दिन में बॉयज के फिजिकल यहाँ पर कंडक्ट होंगे और लास्ट के 3 दिन में गर्ल्स के फिजिकल कंडक्ट होंगे। तो बॉयज के पास अभी बहुत कम दिन शेष है और लड़कियां भी अपने आप में बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहे, क्योंकि आपके फिजिकल भी जल्दी करवाए जाएंगे। अब मैं बता देती हूँ कि आज से आपके पास में 13-14 दिन शेष रहे हैं। इन दिनों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने आप का कैसे ध्यान रखना है। आपको इंजरी से बचना है, इंजर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। सारे स्टूडेंट्स जो फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए हैं, अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, और वो सारे स्टूडेंट जो फिजिकल के लिए जाते हैं या कहीं भी आवागमन में पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं, तो वो व्हीकल के यूज से बचें, क्योंकि आपको अपने आप को सेफ रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस टाइम पर। अगर आप सेफ नहीं होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, तो आप किसी को इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हाँ हमें इंजरी हो गई थी, हमें कोई अन्य डेट दी जाए। जिस भी कैंडिडेट को फिजिकल की जो डेट दी जाएगी उसका उसी दिन फिजिकल होगा। अगर कोई एक दफा, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर कोई एक दफा इंजर्ड भी हो जाता है तो वो यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं दिखा जाता, या फिर उसको कोई एक अन्य मौका नहीं दिया जाएगा फिजिकल एग्जाम में अपियर होने का। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपनी उसके साथ ही साथ आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पे अपने प्रश्नों का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।